सुल्तानपुर डकैती कांड को लेकर मंगेश यादव 5 सितंबर को एनकाउंटर में ढेर हो गया। मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद कई सवाल खड़े हुए। अखिलेश यादव ने भी इस एनकाउंटर को फेक बताया और आरोप लगाया कि मंगेश यादव को जाति देखकर मारा गया। वहीं मंगेश यादव के परिवार ने भी यूपी पुलिस पर कई आरोप लगाए। अब इस एनकाउंटर को लेकर मंगेश यादव का परिवार सीधे कोर्ट पहुंच गया और यूपी पुलिस के खिलाफ बड़ा कदम उठा लिया। एनकाउंटर में मारे गए मंगेश यादव के परिवार ने पुलिस टीम पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोर्ट में अर्जी डाली है। जानकारी के मुताबिक आपराधिक षड्यंत्र और जाति संप्रदाय भेद के आधार पर हत्या करने की धाराओं में केस दर्ज करने के लिए कोर्ट में अर्जी डाली गई है। मंगेश यादव की मां शीला देवी की तरफ से जौनपुर सीजेएम कोर्ट में अर्जी डाली गई है। एसटीएफ टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कोशिश और कदम यहां पर परिवार की तरफ से उठाया गया है। वहीं एसपी सुल्तानपुर, एसएचओ कोतवाली देहात सुल्तानपुर, जौनपुर के एसएचओ पर भी एफआईआर दर्ज करने के लिए कदम उठाया गया है। बीएनएस की धारा 173(4) के तहत एनकाउंटर करने वाली टीम पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए मंगेश यादव के परिवार ने जौनपुर के सीजेएम कोर्ट में अर्जी डाली गई है। मंगेश यादव के परिवार की इस अर्जी के बाद सीजेएम जौनपुर ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी है और अब 11 अक्टूबर को कोर्ट में इसकी सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि 28 अगस्त को सुल्तानपुर के ठटेरी बाजार में भरत सोनी ज्वेलर्स के यहाँ करोड़ों की डकैती को अंजाम दिया गया। इस डकैती कांड का आरोपी मंगेश यादव 5 सितंबर को एनकाउंटर में मार दिया गया। मंगेश यादव की एनकाउंटर में मौत के बाद कई बड़े सवाल उठे। पुलिस के एनकाउंटर थ्योरी पर सवाल खड़े हुए और अब मंगेश यादव का परिवार यूपी पुलिस के खिलाफ सीधा कोर्ट पहुंच गया। अब इस मामले में आगे क्या कुछ होगा, ये यूपी तक लगातार आपको बताता रहेगा। लखनऊ से संतोष कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।